तो अगर आप लोग इस साइकिल की दुकान पे जाओगे तो वहां पे आप लोग को ये 60 या 65 रुपए का मिल जाएगा इजिली। नमस्ते, राम राम जी, कैसे हैं सभी भाई। अगेन स्वागत करता हूं आज के कौन नई वीडियो पे। तो यार इस वीडियो में हम बनाने वाले अपनी ट्राइसेप्स वर्कआउट करने का जुगाड़। तो हाँ यार, हम बनाएंगे ट्राइसेप्स पुली की मशीन। तो इसके पहले भी मैंने दो वीडियो डाल रखी थी यार, एक पे आए थे 5 लाख प्लस व्यूज़ और एक पे आए थे 1 लाख प्लस व्यूज़। तो यार उसमें कई सारे भाइयों के कमेंट भी आए पड़े थे कि यार जो इसमें से मतलब जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो हम कहाँ से परचेज़ करें। तो बहुत सारे भाइयों को मतलब इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन्स थे, तो आज मैं सारा क्लियर करने वाला हूँ और हाँ सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊँगा कहाँ से आप लोग ख़रीदें। तो यार ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना देरी के अभी आपको दिखाते हैं हम क्या क्या चीज़ें इसमें लगाने वाले हैं। तो यार सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है साइकिल का एक्सल, इसे बोलते हैं जो रिम के बीचों बीच में जो लगती है, ठीक है। तो यह है साइकिल का एक्सल। तो अगर आप लोग इस साइकिल की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को ये 60 या 65 रुपए का मिल जाएगा इजिली, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। तो आप लोग वहाँ से इसे परचेस कर ले। और हाँ ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये इसको लेके बहुत सारे भाइयों कन्फ्यूजन थे। तो ये जो लगा हुआ, ये जो मड गार्ड होता है ना हमारा साइकिल का, ये मड गार्ड की वायर है और इसको मैंने अपने देसी जुगाड़ से इसको मतलब बैंड करके घर पर ही बनाया है। तो एक तरफ का तो बैंड रहता ही है मड गार्ड में ये वायर, दूसरी तरफ का ये मैंने अपने हाथ से बैंड करा। तो ये आप लोग ये कुछ थोड़ा तो कठिन है इसको बैंड करने, बट यार घर पर आप लोग कोशिश करके इसे बना सकते हैं। अब सेकेंड में आता है ये हमारी पाइप। तो ये पाइप हार्डवेयर की शॉप से मैंने परचेज़ करी थी, वहाँ पे ये 40 रुपये की मुझे पड़ी। और ये बैंड है, ठीक है, ये बैंड मैंने ख़रीद रखा था वहाँ से और इसको यहाँ से बिल्ड करा दिया। ये आप लोग जो देख सकते हैं ये सपोर्ट, तो ये देख लीजिए, इसमें बहुत सारे भाइयों कन्फ्यूजन थे, ये देख सकते हैं ये। और तीसरे नंबर पर ये है हमारा रोप, जो हम रोप पुली लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये रोप परचेज़ करेंगे ऑनलाइन तो आपको ये 200 या 250 रुपये की मिल जाएगी। तो यार मुझे तो नहीं लगता आप लोग को परचेस करने की ज़रूरत है, आप लोग देसी जुगाड़ से घर पे बना सकते हैं ये। तो ये रोप मैंने घर पर ही बनाया और यहाँ पे मैंने ये वायर बैंड करके लगा रखा ताकि इसमें सपोर्ट लेने के लिए, तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई गाइस। और चौथे नंबर मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ ये आप लोग देख सकते हैं छल्ला, जो कि ये भी आप लोग परचेस कर सकते हैं, 5 या 10 रुपये का आपको मिल जाएगा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सस्ते में आप लोग इसे भी परचेस कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम आपको चौथे नंबर पे दिखाने वाले ये एक मेरे पास ये लोहे की छड़ी है और मैंने इसे बिल्कुल देसी तरीके से बैंड कर रखा। तो इसके पहले मैंने यार ट्राइसेप्स पुली की बनाई थी ना, तो उसको मैंने खोल के यहाँ पे रख रखा, मतलब ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने सारा ये फिट करके पहले से रख रखा है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और बनाने के लिए मुझे लगने वाले ये वायर दो, जो कि पुराने वायर हैं जो कि मैंने पहले बांध रखा था। तो ये वायर है। एंड गाइज लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेरे पास वायर है सीधा सीधा, ठीक है। और ये आप लोग कीला देख सकते हो, ये कीला यहाँ पे हम लगा देंगे सपोर्ट के लिए। तो इसमें हम फंसाएंगे अपनी बारबेल प्लेट, ये देखो ये गाइज ये। अब इसमें हमें जितना वेट लगेगा हम यहाँ से वेट लगा के बारबेल प्लेट अपना वेट इंक्रीज कर सकते हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यार ये मेरे जुगाड़ से आप लोग को थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही गई होगी। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर वीडियो को करें और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन दोस्तों को इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर जो वर्कआउट करने में या जो फिर बॉडी बनाने में अपनी रुचि रखते हैं। इस वीडियो को उन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।